हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होने वाली है काफी खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक काफी शानदार ट्रिक के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहां पर अब हम डेट, मंथ और ईयर तीनों ही ऐड करेंगे यहां पर। तो आप देख सकते हैं यहां पे डेट है एक, यानी एक डेट है, डे का नाम है। ये डे कौन सा है? पहला दिन है, महीने का पहला दिन है। महीना कौन सा है? सिक्स, ठीक है। और ईयर कौन सा है? 2022। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों ही ऐड करने वाले हैं। तो यहां पे लगाऊंगा डेट का फॉर्मूला, इस तरीके से डेट का फॉर्मूला लगाइएगा और यहां पर फिर लिखिएगा ईयर, वाई ई ए आर, तो ईयर भी लगा दिया है। अब क्या करना है आपको, आपको इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें की डेट लिखी हुई है। तो बस सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, कॉमा दीजिए और फिर यहां पे लगा दीजिए मंथ। तो यहां मंथ का फॉर्मूला भी आ जाएगा और फिर इसी को सेलेक्ट करना है आपको, फिर इसको क्लोज करिएगा, फिर लगाइएगा कॉमा और यहां पर अब आपको क्या करना है, इस तरीके से मंथ के बाद डे लिख देना है, डे का फॉर्मूला भी यूज कर लेना और सेम सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। हुआ क्या इसका, इसका मतलब क्या निकला, यहां पर इंटरफेस करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा आप समझ में आएगा आपको। यहां पर आपको करना क्या है, F2 प्रेस करना है, फॉर्मूले को एडिट कर लेना है। कर लिया, चलिए अब यहां पर जो आया है B3 सेल एड्रेस जो हमने सेलेक्ट किया है, यहां पर आपको आना है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर आ गए। अब यहां पर लगाता हूं मैं प्लस वन, ध्यान दीजिएगा यहां पे डे कौन सा है, वन है। तो अगर मैं प्लस वन करता हूं तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा वो गौर करने वाली बात है। तो यहां पर एंटर प्रेस किया तो यहां पर डेट चेंज हो गई, यहां पर दो तारीख आ गई है, देख सकते हैं। अगर हम यहां पर कुछ और लिखते हैं, प्लस वन के बजाय प्लस फाइव लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डेट चेंज हो जाएगी। तो ये डेट चेंज हुई, यहां पे छह तारीख आ गया जबकि यहां वन तारीख, एक तारीख था, ठीक है। अब यहां पर वापस से F2 करता हूं, मंथ की बात कर लेते हैं। तो मंथ में अगर दो मंथ ऐड करना चाहते हैं तो प्लस टू कर दीजिए, अगर तीन मंथ ऐड करना चाहते हैं तो प्लस थ्री कर दीजिए, चार मंथ ऐड करना चाहते हैं प्लस फोर कर दीजिए, चलिए प्लस फोर कर लेते हैं। मंथ कौन सा है, छठवां है, दसवां महीना आ जाएगा, आ गया यहां पर सिक्स तारीख है, दसवां महीना है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, समझ में आ रही है बात। यहां पे दसवां महीना, यहां पे डे ऑलरेडी मैंने चेंज किया है। अब यहां पे ईयर की बात करते हैं, ईयर कैसे चेंज होगा, तो F2 प्रेस करेंगे, यहां ईयर वाले हिस्से पे जाएंगे, यहां पर बाहर आकर के प्लस टू, दो साल जोड़ देते हैं, तो 22 के बाद दो साल जुड़ेगा तो क्या होगा, 24 हो जाएगा, तो 2024 यहां आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप डेट में, डे में, ठीक है, डे में, मंथ में और ईयर में एड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना, क्लियर, ओके।